लिदा 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 देखो फराज ने दिया। फराज ने गिफ्ट दिया है इतनी जल्दी? वहां तो बहुत ही कंजूस था, मतलब 3 महीने में एक गिफ्ट दिया और वो भी इतना फजूल सा। मैंने कहा था ना फराज अलग है। रहने दो बस, शुरू शुरू में ना सारे ही अच्छे लगते हैं, ये तो बाद में असलियत पता चलती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि फहद भाई के साथ ब्रेकअप के बाद तुम थोड़ी बदमिजाज हो गई हो? हाँ शायद। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अब तो फोन आ गया है, अब तो रातों को बातें शाते होती होंगी। हाँ जी नहीं, तुम्हें पता तो है मेरे घर का माहौल, जब सब सो जाते हैं इंतजार करना पड़ता है, उसकी बात ही बात हो पाती है लेकिन वो भी थोड़ी सी। आंखें देखो अपनी, नींद से भरी हुई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो आना होता है ना, फिर फराज से मुलाकातें कैसी होंगी वरना? जी नहीं, मैं कोई मुलाकातें नहीं करती, और वैसे भी अब्बा ने वार्निंग दी है, अगर अब कुछ हुआ ना तो अब्बा मुझे यूनिवर्सिटी से उठवा लेंगे, घर पे रहना पड़ेगा। तुम्हारे अब्बा तो वाकई बहुत सख्त है। कैसे वैसे? जी सुनो ना, जिसके फंक्शन बता दो, साइलेंट कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं समझ आता। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, अभी कर देती हूँ। सारे फोन्स की सेटिंग ना एक जैसी ही होती है, तुम अभी यूज कर रही हो ना तो इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा मसला होगा, लेकिन बाद में सही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ना, फराज ने शादी के सिलसिले में क्या कहा, शादी करेगा? उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे, और किसी और ने अगर जबरदस्ती की ना तो भी किसी और से शादी नहीं करेंगे। अच्छा क्या बात है दुआ, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई है। चलो बस करो ना, बताओ ना कैसे होता है।